बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बहुत ही रिच, बहुत ही क्रीमी, ऑथेंटिक वे में चिकन फेटुचिनी अल्फ्रेडो पास्ता बनाना बताएंगे। अगर आप इसको देसी वर्जन में बनाना चाहते हैं तो उसका भी तरीका हम बताएंगे। तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे सारे स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले हम चिकन लेंगे। हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। फेटुचिनी पास्ता के हम 6 से 7 बंचेस लेंगे। आपको जितना बनाना हो आप अपने हिसाब से लें। मशरूम हम लेंगे अंदाजे से 1 प्याली। आपने जितना डालना है अपने हिसाब से डाल लें, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। नहीं डालना तो आप इसे स्किप कर दें। 1 प्याली के करीब क्रीम लेंगे। आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ मिल्क पैक की क्रीम ली है। 1 खाने का चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। 2 चाय का चम्मच हम काली मिर्च लेंगे। 2 चाय का चम्मच हम नमक लेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक और काली मिर्च हम चिकन में यूज़ करेंगे और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और नमक हम सॉस बनाने में यूज़ करेंगे। बेल पेपर लेंगे 2 कलर के, ग्रीन और येलो। रेड और ऑरेंज कलर हमें कहीं भी नहीं मिला, हमने मार्केट में बहुत सर्च किया है। तो हमने खाली 2 ही कलर लिए हैं, येलो और ग्रीन, और ये हमने लिया है 1-1 पीस लिया है। इसे हमने काट लिया छोटा छोटा। चैडर चीज़ लेंगे हम यहाँ 200 ग्राम। क्वांटिटी इसकी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना चीज़ी आपको पसंद हो आप उतना डाल लें। 100 ग्राम हम बटर लेंगे। 1 कप हम दूध लेंगे। दूध की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सॉस चाहिए तो। सबसे पहले हम चिकन को कुक कर लेंगे। 1 कढ़ाई में हमने 4 खाने का चम्मच तेल डाला है। अब हम इसके अंदर कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे और अदरक लहसुन को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हम इसको दरमियानी आंच पर हल्का सा फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन को भी हम अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे जब तक कि चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। नमक और काली मिर्च को हमने चिकन में मिक्स करके बिल्कुल थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है। चिकन को हम हल्की आंच पर 15 मिनट ढककर पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, चिकन हमारी कुक हो गई है। अब हम हाई फ्लेम पर चिकन का पानी खुश्क करेंगे। चिकन का पानी खुश्क हो गया है, तेल अलहदा हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और सारी चिकन हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फेटुचिनी पास्ता को उबाल लेंगे। 1 पतीली में हमने 8 ग्लास पानी डाले हैं और साथ ही इसमें 2 खाने का चम्मच हमने नमक डाल दिया है। अब पानी में उबाल आने वाला है। हमने इसके अंदर 2 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाला है। पानी में उबाल आ गया है। अब हम उबलते हुए पानी में 1-1 करके नूडल्स के बंच डालेंगे। 1-1 करके हमने सारे बंच डाल दिए हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए नूडल्स हमारे अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इसे एक छन्नी में छान लेंगे। सारे नूडल्स हमने एक छन्नी में निकाल लिए हैं और अब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल रहे हैं ताकि ये नूडल्स आपस में चिपके ना। जिस कढ़ाई में हमने चिकन को कुक किया है अब हम उसी कढ़ाई में मक्खन डाल देंगे और मक्खन को हम मेल्ट करेंगे। सॉस को हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ मक्खन हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। मक्खन हमारा मेल्ट हो गया है, अब हम इसके अंदर क्रीम डाल देंगे। क्रीम हमने डाल दी है, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप इसको थोड़ा सा पाकिस्तानी वर्जन में करना चाहते हैं देसी स्टाइल में, या थोड़ा सा इसको चीप और लाइटर बनाना चाहते हैं, तो आप मक्खन डालने के बाद इसके अंदर 5 खाने का चम्मच मैदा डाल लें और मैदे को भून लें जब तक कि उसमें से खुशबू ना आ जाए। जब खुशबू आ जाए तो इसमें दूध डाल दें। दूध डालकर थोड़ी देर पकाएं। जब थोड़ा सा थिक हो जाए तो फिर इसके अंदर उबला हुआ पास्ता आप डाल दें। क्रीम को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, अब हम इसके अंदर दूध डाल रहे हैं। दूध डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
अब हम इसके अंदर मशरूम डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने मशरूम के छोटे छोटे से पीसेस कर लिए। अब हम इसके अंदर चेडर चीज़ डाल देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे जब तक कि हमारी चीज़ मेल्ट ना हो जाए। साथ ही इसमें एक चाय का चम्मच काली मिर्च और एक चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालें। नमक काली मिर्च डालने के बाद इसके अंदर हम बेल पेपर डाल देंगे। अब हम ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। चीज़ भी हमारी थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसके अंदर पार्मेसन चीज़ भी डलती है जो कि हमारे पास नहीं है, हमने स्किप कर दिया है उसे। चीज़ हमारी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे जो हमने कुक की थी। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हम नमक भी चख लेंगे कि नमक की ज़रूरत और है, क्योंकि हमने चिकन के अंदर भी नमक डाला है। तो चिकन अंदर डालने के बाद, सॉस के अंदर डालने के बाद आपको नमक दोबारा चेक करना होगा। लास्ट में हमने ड्राइड पार्सले डाले हैं और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सॉस हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर बॉयल की हुई नूडल्स डालेंगे और नूडल्स डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा फेटुचिनी चिकन अल्फेडो पास्ता रेडी है। अगर आपको सॉस ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा सॉस बना लें, दूध की क्वांटिटी बढ़ा लें, क्रीम थोड़ी सी और डालें, तो अपने हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं अभी। तो ये है हमारी चिकन फेटुचिनी अल्फेडो पास्ता की फ़ाइनल लुक। हमने इसे डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर हमने ड्राइड पार्सले डाले हैं ताकि ये और ख़ूबसूरत लगे। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें इसका फीडबैक लाजमी दें। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।